को हरे कृष्णा। हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे राधे राधे, हम जाते हैं। देखो आप अभी आप अपने मन में एक फील आप अपने मन में एक क्वेश्चन करिएगा कि मैं आपको बोलता हूँ राधे राधे, या आप मुझे बोलो राधे राधे, ये राधे कौन है? क्या मतलब राधे राधे बोलने से क्या आपको अनुभव होता है? कभी आपने ये ज्ञात किया है, या राधे राधे बोलने से आपकी बॉडी में कोई परिवर्तन होता है? नहीं, होता भी है नहीं भी। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के रोम रोम से राधे राधे नाम की ध्वनि निकलती है। भगवान श्री कृष्ण सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनके पूरे बॉडी के रोम रोमे जो होते हैं हमारे, हर रोम से राधे शब्द निकलता है। हम वृंदावन में जाकर देखो, बरसाना या हमारा गांव नंदगांव जाकर देखो, या और भी जो ब्राह्मण भाई हैं, ब्रजवासी हैं, सब लोग राधे 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 बोलते हैं। उस राधे को बोल तो देते हैं, पर उस राधे से उनके मन में कुछ होता है? ये राधा जो शब्द का उच्चारण करने, वो उनको एक खुशी की अनुभूति या किस तरह से अवगत कराती है? नहीं, कुछ नहीं कराती। और जब इतनी बड़ी शक्ति का नाम लेने से भी आपको खुशी की अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो क्या फायदा फिर राधे बोलने का? आपने राधे राधे बोल दिया, सामने वाले ने राधे राधे बोल दिया, ना तो आपको आपका चित राधे में लगा, ना सामने वाले का लगा। ये तो आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, परमात्मा का अगर आप और नाम का भी उच्चारण करते हैं, तो जिस समय पर आपके मुख पर मेरे लाडली जी का नाम आए, या जिस समय आपके मुख पर मेरे भोले बाबा का नाम आए, उस समय पर एक सेकंड के लिए तो ऐसे हो जाओ जैसे बाबा आपके सामने और आप प्रणाम करते हैं। ऐसा अब महसूस करो, फिर देखो कितना आनंद आएगा आपको। आप हर हर महादेव बोलते हो, आप ओम नमः शिवाय बोलते हो, आप जय माता दी बोलते हो, आप जय श्री कृष्णा बोलते हो, आप राधे राधे बोलते हो। इनका अर्थ तो ढूंढो, इनका लाभ तो देखो, इनका मतलब क्या है, इनको क्यों बोला जाता है? अरे जब आप उनका, जैसे आपने कभी नोट किया आपको एक छींक आती है, तो छींक आते समय कुछ सेकंड के लिए हमारा पूरा शरीर एक जगह रुक जाता है। कुछ कुछ कोई कोशिकाएं, कोई नस या कोई श्वास कुछ काम नहीं करती है छींक आते समय। डॉक्टरों ने कहा है कि छींक जब व्यक्ति को आती है तो एकदम पूरा शरीर जो है एक जगह एकत्रित होता है। तो उसी तरह आप कभी राधे बोलें, या आप हर हर महादेव बोलें, या ओम नमः शिवाय बोलें, या जय माता दी बोलें, चाहे जय श्री कृष्णा बोलें, उस समय पर आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मेरा परमात्मा मेरे सामने और मैं प्रणाम कर रहा हूँ, या मेरे परमात्मा का मैं नाम का उच्चारण कर रहा हूं। तो आपको एक खुशी की अनुभूति पैदा होगी, आपको लाभ भी मिलेगा और भक्ति में मन भी लगेगा। इसलिए किसी भी परमात्मा का अगर आप नाम लें, तो बड़े दिल से और भाव से नाम लें। हरे कृष्णा, ओम नमः।